बिहार के पूर्व दिग्गज सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को राजस्थान के कोटा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी पुलिस ने ओसामा को देर शाम गिरफ्तार किया। ओसामा अपने दो साथियों के साथ बिना नंबर की गाड़ी में सवार था। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर सिवान में दो और मोतिहारी में एक केस दर्ज है। ओसामा को कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि शांति भंग करने के आरोप में ओसामा को गिरफ्तार किया गया। सवाल उठने लगे कि क्या ओसामा बिहार का नया डॉन बनने लगा है? क्या वो राजस्थान में अपना नेटवर्क फैला रहा था? दरअसल ओसामा के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनमें गिरफ्तारी से बचने के लिए वो राजस्थान में छिपा हुआ था। अब ओसामा की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। बिहार पुलिस ओसामा को कोटा से सिवान ले गई है। लंदन से वकालत की पढ़ाई करके लौटा है ओसामा। ओसामा का जन्म 12 जून 1995 को सिवान बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही प्राप्त की। 10वीं की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पूरी की। 12वीं कक्षा की परीक्षा उन्होंने जीडी गोयनका स्कूल नई दिल्ली से पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन का रुख किया। लंदन में वो वकालत की पढ़ाई कर वापस सिवान लौट गए। पिता की राजनीतिक विरासत संभालने की तैयारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत संभालने की रेस में उनके बेटे ओसामा शहाब का नाम सबसे आगे रहता है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में मां हिना शहाब के लिए ओसामा ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली थी। सिवान में रईस खान पर बोली चलवाने का आरोप। 5 अप्रैल 2022 को सिवान के खान ब्रदर्स के रईस खान पर गोलीबारी हुई थी। इस मामले में ओसामा समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि ओसामा ने इन आरोपों से इनकार किया है। मोतिहारी में भी जमीन विवाद में फायरिंग करने का केस। 1 अगस्त 2023 को मोतिहारी के तेलियापट्टी मोहल्ले में मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी डॉक्टर हीरा शहाब के ससुराल में जमीन विवाद में फायरिंग करने और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिए गए थे। एक पक्ष ने ओसामा समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया था। हालांकि ओसामा ने इन आरोपों से भी इनकार किया था। अब जिस तरीके से ओसामा की गिरफ्तारी कोटा से हुई है इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। बता दें बिहार पुलिस ओसामा को लेकर सिवान लौट चुकी है।